हेलो गाइस, वेलकम टू फूड माला। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले चलती हूँ अपनी भाभी के किचन में, जहाँ पे बन रहा है डोसा। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एज अ गेस्ट गए हुए थे और भाभी ने हम लोग को डोसा और चटनी खिलाई। तो डोसा इन्होंने कैसा बनाया ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं इसलिए ये रेसिपी का वीडियो आपको शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। और इन्होंने डोसा कैसे बनाया मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी, और मैं अपनी तरफ से ये डोसा की रेसिपी आपको बना के इसी चैनल पर फिर कभी शेयर करूंगी। इससे पहले देख लेते हैं कि ये हमारी प्यारी सी भाभी ने कैसे डोसा बनाया। तो डोसा का बैटर जैसे बनता है, नॉर्मली चावल उड़द को भिगा के पीस करके इन्होंने रख दिया, और उसमें जब खमीर जो है उठ गई, फिर उन्होंने काफ़ी इन्होंने बारीक पीसा हुआ था, और जब इसमें खमीर उठ गई फिर इन्होंने डोसा बनाया। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा सा पतला सा एकदम मार्केट जैसा डोसा बना रही हैं ये भाभी, और इसके ऊपर लगा रही हैं ये थोड़ा सा चटनी जो इन्होंने होममेड बनाई हुई है। कुछ इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, जब मैं अपनी रेसिपी शेयर करूंगी तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। और अब ये डाल रही है फ्राइड आलू, भुनी हुई आलू, और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा प्याज कटा हुआ और बारीक कटा हुआ टमाटर, बहुत बारीक भी नहीं रहेगा, मीडियम साइज़ का क्यूब शेप में कटा हुआ चौकोर छोटा छोटा कटा हुआ टमाटर, प्याज और ये ग्रेटेड पनीर, ये सारी चीज़ें डाल दिया। और डोसा एक बार बैटर जब इन्होंने डाला दो कलछी, उसके बाद इन्होंने इस पर घी लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि डोसा आराम से ऊपर आप इसको उलट सकते हैं, इसको उठाने में आसानी हो जाती है, चिपकता नहीं है। वैसे ये जो पैन है वो नॉन स्टिक तवा है एक्चुअली, तो नॉन स्टिक तवा पे ही डोसा बनता है, डोसा तवा है ये। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया जिससे एक कच्चा पनीर में ना रह जाए, और ये सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी है। अब ऑलमोस्ट ये डोसा तैयार है। अब इसको इस तरह से टर्न करके दोनों तरफ से रोल बना ली, और अब ये आ रहा है सीधे प्लेट में। जी हाँ, और ये होगा सर। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें इन्होंने क्या क्या डाला। टमाटर कटा हुआ, प्याज, ये है ग्रेटेड पनीर, ये है चटनी जो इसमें अंदर से लगा रही है, और अब इसमें जो है इन्होंने कोकोनट और मूंगफली की जो चटनी बनती है डोसे के साथ वाली चटनी, ये आप देख सकते हैं, तो मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ डोसे के अंदर ये कैसा फीलिंग इसका लग रहा है एकदम। और ये फ्रेंड्स एक चटनी है जिसके साथ ये डोसा खाना है। सांभर नहीं बनाया है क्योंकि हम लोग को सांभर नहीं खाना था, तो इसीलिए नहीं बनाया। एक्चुअली नाइट में था ये खाने का मेनू, तो नाइट हम लोग बहुत ही थोड़ा सा खाते हैं, तो हमने कहा कि भाभी सांभर मत बनाना। और ये देखिए, ये है भुना हुआ आलू, और ये है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है बैटर चटनी, और ये थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ा सा क्लोथ रखी हुई है, मतलब सूती कपड़ा है जिससे कि तवे का टेम्परेचर सही करती हूँ वो पहले बनाने के, बार बार घी नहीं लगाती तवे पे, बैटर डालने से पहले घी नहीं लगाती है। तो जो आपका डोसा तवा उस पर आप बैटर डाल दीजिए, पतला सा उसको फैला दीजिए, उसके बाद आपको उसमें लगा देनी है घी। घी लगाने के बाद लगेगी ये वाली चटनी, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चटनी, आपको बिलीव नहीं होगा। मैंने खाया है डोसा ये वाला, और ये मेरे आज तक का मतलब मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डोसा था ये। एक्चुअली मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सच में था फ्रेंड्स। तो इस तरह से सारी चीज़ों को फिर से डाल दिया, आलू, टमाटर, प्याज, ग्रेटेड पनीर, और सारी चीज़ें डालने के बाद ये थोड़ा सा जो है फिर इसको प्रेस करके अच्छे से कर लेंगी, और अच्छे से तैयार जिससे कि कच्चा ना रह जाए। बस ये फटाक से हो जाता है, दो मिनट में जो है डोसा ये इस तरह से बन के तैयार हो जाता है फटाफट। और अब इसको फिर से सर्व कर लेंगे, और ये जा रहा है चटनी के लिए, अब इसको मिलेगी चटनी, और ये जाएगा खाने के लिए उधर।
बच्चे खा रहे हैं फ्रेंड्स, तो बच्चों को इस तरह से फटाफट खिलाया जा रहा है। अच्छा अच्छा सा डोसा बनाते हैं पहले, इसके बाद हम लोग खाएंगे साथ में। तो डाल देंगे फिर से, आप देख रहे हैं कोई घी नहीं लगा है तवे पे। उसके बाद डोसा, दो कलछी छोटा स्पून है एक्चुअली, मतलब कि जो सर्विंग स्पून होता है, तो दो जो है दो स्पून इन्होंने इसमें बैटर डाला और फिर बैटर को अच्छे से फैला दिया। फिर लगा दिया घी, फिर सेम प्रोसेस है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा कि मेरी भाभी ने कैसा डोसा आपको बना के दिखाया। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।